अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोन। दोस्तों आज मैं आपको इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल बनाकर दिखाऊंगा, जिसके जरिए आप एसी या डीसी का कोई भी लोड ऑन ऑफ कर सकेंगे। पहले जो मैंने आपको पुश स्विच बनाकर दिखाया था, उसी के साथ इंफ्रारेड रिसीवर लगाकर मैंने ये रिमोट कंट्रोल सर्किट बनाया है। अब तमाम पार्ट्स को नक्शे के मुताबिक सर्किट बोर्ड पर लगाएं। अब सर्किट में 12 वोल्ट सप्लाई की तारें भी लगाएं। अब रिले में तारे लगाएं ताकि कोई भी लोड ऑन ऑफ कर सके। रिले में तारे लगाने के बाद उनको टेप कर ले या और किसी चीज से ढांप दें, क्योंकि यहाँ 220 वोल्ट मौजूद होंगे, जिसके जरिए करंट लगने का खतरा है। यह स्टेबलाइजर में लगने वाली सर्किट बोर्ड है, जिसमें हम इंफ्रारेड सेंसर लगाकर रिले को ऑन ऑफ करेंगे। तमाम कनेक्शन को डायग्राम के मुताबिक लगाएं।
ये आपका इंफ्रारेड रिसीवर बन गया। अब इसमें पावर की कनेक्शन लगाएं। अब दोनों सर्किट को आपस में मिला दें, दोनों सर्किट की पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिला दें। और स्विच वाली कनेक्शन रिले पर लगा दें। अब 12 वोल्ट का एडाप्टर लेकर सर्किट को सप्लाई दें। नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रहे। ये देखें, रिमोट के जरिए एलईडी ऑन ऑफ हो रही है। अब इसके साथ 220 वोल्ट बल्ब ऑन ऑफ करके देखते हैं। इस सर्किट के जरिए 25 से 30 फुट की दूरी तक भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें, बल्ब रिमोट के साथ ऑन ऑफ हो रहा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन भी ऑन कर दें।